मौसम समाचार में आपका स्वागत है। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। आपके जिले में अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम का मिजाज, जानने के लिए आपके जिले का नाम कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने लोगों को परेशान कर दिया है। फिलहाल ठंड से राहत के आसार नहीं है। ऐसे में मौसम विभाग ने कहा कि अगले 4 से 5 दिनों के दौरान घने से बहुत कोहरा जारी रहने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शीतलहर जारी है। दिल्ली NCR में जारी ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। IMD ने आज और कल शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके बाद दिल्ली में 20 जनवरी तक मध्यम कोहरा रहने की उम्मीद है। IMD के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा के कुछ हिस्सों में ठंडे से गंभीर ठंडे दिन रहने की संभावना है। वहीं पंजाब के कई हिस्सों में गंभीर शीतलहर चलने की संभावना है। आकाश में बादल छाए रहेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य के दक्षिणी, उत्तरी, पूर्वी तथा मध्य हिस्सों में कहीं कहीं 17 और 18 जनवरी को हल्की बारिश होने की संभावना है। इस दौरान राजधानी अन्य इलाकों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। वहीं 19 जनवरी से मौसम साफ हो सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अभी 2 दिनों तक बिहार में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। ऐसे में मौसम विभाग की ओर से लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। दूसरी ओर सुबह के समय घने कोहरे के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है। वहीं उत्तरी पश्चिमी सर्द हवाओं की वजह से राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हिमाचल प्रदेश में भी मौसम का मिजाज अलग ही नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार ऊंचे क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में 1-2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। सर्द हवाओं के कारण उत्तर प्रदेश के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक लखनऊ सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप रहने का अनुमान है। पूरे उत्तर भारत में ठंड जबरदस्त पड़ रही है और घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं दिल्ली NCR की बात करें तो दिल्ली में घना कोहरा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफी कम होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लंबे इंतजार के बाद कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में कल बर्फबारी हुई। गुरेज घाटी के तुलेर इलाके में कल सुबह बर्फबारी हुई, जिसमें कश्मीर के लोगों को कुछ राहत मिली।